5 साल बाद झारखंड को केंद्र से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेमंत सोरेन, पूर्व की सरकार ने राज्य का खजाना खाली कर चाबी हमें सौंप दिया। 20 वर्ष का युवा झारखंड चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे झारखंड ने अवसर के रूप में बदला है। सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर सौगातों की बारिश हुई। 1710.26 करोड़ की 171 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 1529.06 करोड़ की 59 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम की घोषणाओं का फोकस पॉइंट, 50,000 रुपए तक किसानों को ऋण माफी। इसी सत्र में महिला यूनिवर्सिटी की सौगात, हर किसी को 60 प्लस के बाद पेंशन, अनुबंधन कर्मियों के स्थायी समाधान का निकाला जा रहा रास्ता, झारखंड के 10 छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाएगी सरकार, मार्च से पहले ट्राइबल यूनिवर्सिटी की शुरुआत, 10 लाख एकड़ में फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत, हर घर जल पहुंचाने की कार्य योजना तैयार, हर जिले में CBSE की तर्ज पर खुलेंगे 1-1 मॉडल स्कूल। जब सत्ता संभाली थी तो गांव में 2 घंटे भी बिजली नहीं, आज 20 घंटे बिजली आपूर्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले साल मुझे पूर्व की सरकार ने खाली खजाने की चाबी सौंपी थी, हर विभाग कर्ज में डूबा था। जब सरकार आई तो स्थिति भयावह थी, दूसरे महीने में तनख्वाह कैसे दी जाएगी यह भी सोचना पड़ता था। यही कारण है कि किसानों की ऋण माफी में 1 साल का समय लग गया। मैं वादा करता हूं कि 5 साल बाद झारखंड को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वर्ल्ड बैंक के सामने और ना केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। मंगलवार को सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने सौगातों की बारिश की, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। सीएम हेमंत सोरेन ने 1710.26 करोड़ की 171 योजनाओं का उद्घाटन किया, 1529.06 करोड़ की 59 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल पहले सरप्लस बजट वाला राज्य कैसे देश का पिछड़ा राज्य बन गया, यह सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वावलंबी कैसे बने, 20 साल में इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज ऐसे कई राज्य हैं जहां कोयला नहीं है, अभ्रक नहीं है, चांदी नहीं है। हमारे पास ये सब होने के बाद भी हम पिछड़े हैं। हमारे पास खिलाड़ियों की खान है जो देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, कला संस्कृति की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इस दिशा में कभी काम ही नहीं हुआ है। झारखंड में पहली बार मेरी सरकार बनने के बाद हर जिले में खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। बीमार अस्पताल से जीत रहे हैं कोरोना की जंग। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एक तो हम खाली खजाने से जूझ रहे थे, ऊपर से कोरोना की मार। चुनौती यह थी कि पूर्ववर्ती सरकार ने सरकारी अस्पताल को बीमार बना दिया था, जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था। हमने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और आज कोरोना से बेहतर तरीके से मुकाबला करने में हम देश में दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। जनवरी के पहले सप्ताह से नियुक्तियां होंगी शुरू। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज तक JPSC पर उंगलियां उठती रहीं। 20 साल में 6ठी परीक्षा का आयोजन भी सही से नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अब इसे दूर किया जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में कैलेंडर जारी कर JPSC की नियुक्तियां शुरू की जाएंगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। मनरेगा मजदूरी अभी 225 रुपए, 5 साल में इसे 300 रुपए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, इसमें मनरेगा अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार मनरेगा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार ने अपने रिसोर्स से मनरेगा मजदूरी को 225 रुपए कर दिया है। इस सरकार के 5वें साल पर मजदूरी को 300 रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। लापरवाह अधिकारी होंगे बर्खास्त। सीएम ने कहा कि तय समय में प्रमाण पत्र नहीं जारी करने पर जिम्मेदार अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा, काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेल का मैदान हो रहा विकसित। सीएम ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाके में खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है। यहां चेंजिंग रूम की सुविधा भी होगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, खेल सामग्री दी जाएगी, वनोपज को बाजार और उचित मूल्य के लिए फेडरेशन का गठन किया जाएगा।
77,347 का वन पट्टा तैयार किया गया है। कोरोना काल में दीदियों के काम को किया सैल्यूट। सीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान गांव की महिला समूह की उन महिलाओं को नमन करता हूं, जिन्होंने महामारी के दौरान लोगों को भरपेट भोजन कराने में अहम भूमिका निभाई। खाली खजाने की चाबी मिलने के बाद भी मैंने धैर्य रखा और आगे बढ़ा। इस दौरान दीदियों ने बाहर से आने वालों के लिए कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई, इस कारण उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। चुनौतियों के बीच मिली जिम्मेवारी। सीएम ने कहा कि चुनौतियों के बीच हम अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य के सभी दिव्यांगजनों वृद्ध लोगों को लाभ देना चाहते हैं। इस राज्य में जरूरत से ज्यादा गरीबी है, इसलिए गरीबों को राशन देने का विचार किया गया। जब सरकार में आए तब स्थिति बेहतर नहीं थी, हर विभाग में बकाया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जब सत्ता मिली है तो किस तरह की सत्ता मिली है। जिन लोगों ने यहाँ भेजा है उनके लिए काम करना है। खजाना खाली होने से काफ़ी परेशानी हुई। सीएम ने कहा कि झारखंड ने सीमित संसाधन से कोरोना का मुकाबला किया। पुलिस एवं ग्रामीण महिला समूह की मदद से इससे छुटकारा पाने की कोशिश की है। कोरोना के कारण भले ही राज्य में जनप्रतिनिधियों की भी मौत हुई है, पर जगन्नाथ महतो कोरोना से जंग जीत कर जल्द हमारे बीच होंगे। इस खबर में बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।